Xiaomi एक बहुत ही बड़ा ब्रांड है। Xiaomi जब इंडिया में आया था तो इंडिया का ऑनलाइन मार्केट सिर्फ 6% था, बट Xiaomi जैसे आया ऑनलाइन मार्केट तो भाई हिल गया पूरा। भाई उसके साथ साथ Xiaomi ने से बहुत सारी तगड़ी चीजें की है, जैसे कि एप्पल के को फाउंडर ने Xiaomi की तारीफ करी थी, नहीं पता ना? नहीं, इसलिए तो मैं आया हूँ भाई। तो 2019 में Xiaomi फॉर्च्यून 500 के लिस्ट में आया था और Xiaomi सबसे यंग बच्चा बन गया था, मतलब सबसे यंग कंपनी बन गई थी इस लिस्ट में आने के लिए। Xiaomi ने ये काम सिर्फ 9 साल में कर दिया था, जो कि बहुत ही जल्द है। आप सबको लगता होगा कि Xiaomi का पहला प्रोडक्ट फोन होगा या फिर ऑडियो प्रोडक्ट, बट ऐसे नहीं है भाई। Xiaomi का फर्स्ट प्रोडक्ट MIUI था, वही MIUI जो आपके फोन में आता है। तो Xiaomi ने अपना फर्स्ट प्रोडक्ट Xiaomi Mi 1 के साथ लॉन्च किया था 2011 में। ये बेसिकली एक एंड्रॉइड पे बेस्ड UI रहता है जो कि ग्लोबली लॉन्च हुआ था। आपने Xiaomi का लोगो बहुत ही जगह देखा होगा, बट आपको पता है कि उसका मीनिंग क्या है, उसका लॉजिक क्या है? तो बेसिकली Xiaomi का मतलब लिटिल राइस है, जो कि बुद्धिस्ट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, जिसका अगर मीनिंग बताऊं तो ये बनता है कि छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करना। हम भी छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करते हैं, तो सबसे छोटा काम करते हैं सबसे पहले वह सब्सक्राइब। और जो कि Xiaomi का लोगो जिसमें MI लिखा था, उसका मतलब रहता था मोबाइल इंटरनेट। मास्कॉट तो पता होगा, तो बेसिकली मास्कॉट मतलब ये होता है कि कोई भी चीज, चाहे वो एनिमल रो, बंदा रो या फिर कोई प्रोडक्ट रो, वो आपके लिए लकी होता है। तो वैसे ही Xiaomi के लिए एक कुत्ता लकी था। तो जब Xiaomi का हेडक्वार्टर्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा था बेंजिंग में, उस टाइम एक कुत्ता था जो कि Xiaomi के कंस्ट्रक्शन में यूजुअली रहता था। तो उस कुत्ते को Xiaomi ने रख लिया और उसके लिए अलग से एक ऑफिस बना दी और उसको एक बैच दे दिया था जिसका नाम है वांग काई। Xiaomi का एक फिक्शनल मास्कॉट भी है जिसका नाम है मीटू। तो बेसिकली वो एक व्हाइट रैबिट रहता है जिसके सर पे एक टोपी रहती है रेड कलर की, उस पर एक स्टार रहता है। Xiaomi का स्मार्टफोन आपको यूजुअली दुकान में देखने को मिलता है या फिर ऑनलाइन में देखने को मिलता है, बट क्या आपको पता है कि Xiaomi के स्मार्टफोन म्यूजियम में भी देखने को मिलते हैं। अब म्यूजियम में क्यों देखने को मिलते हैं मैं बताता हूँ। तो Xiaomi की Mi Mix सीरीज तो याद होगी आपको, जो कि बहुत ज्यादा इनोवेटिव होती है। तो Xiaomi का Mi Mix एंड Mi Mix 2 दोनों ही म्यूजियम में ऐड किया गया था, क्योंकि उनको आर्ट और टेक्नोलॉजी में थोड़ा एक अपग्रेड का पीस माना जाता है। नेक्स्ट चीज है, Xiaomi को चाइना का एप्पल बुलाया जाता है। क्यों, उसका रीजन बताता हूँ। दोनों के यूजुअली प्रोडक्ट सेम होते हैं, जैसे कि फोन का डिजाइन या फिर UI भी सेम होती है कभी कभी, जैसे कि आप Xiaomi का कंट्रोल सेंटर देखोगे और iOS का नोटिफिकेशन बार। और अगर रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो Xiaomi और एप्पल दोनों के मैन्युफैक्चरर्स भी सेम है। एक और बहुत तगड़ा फैक्ट बताऊं तो एप्पल के कोफाउंडर जो कि स्टीव वॉज़नियाक थे, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि Xiaomi प्रोडक्ट्स गुड इनफ टू ब्रेक द अमेरिकन मार्केट, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। Xiaomi ने प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे लॉन्च किए और उन्होंने सबका दिल जीता है, बट क्या आपको पता है कि Xiaomi ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए। तो सबसे पहले Xiaomi का Mi फैन फेस्ट हुआ था जो कि 2020 में था, उसमें ऑलमोस्ट 98 मिलियन फैंस ज्वाइन करे थे। तो पहले Xiaomi ने रिकॉर्ड बनाया था एक दिन में 1.3 मिलियन डिवाइस सोल्ड करने का, बट उसी रिकॉर्ड को तोड़ के 2.11 मिलियन डिवाइस सोल्ड कर दिए थे। बड़ा नंबर है भाई। और ये रिकॉर्ड एड हो गया गिनीज वर्ल्ड बुक में। इसके साथ Xiaomi ने एक और रिकॉर्ड बनाया था जो कि उनके लोगों के ऊपर था। तो बेसिकली जब 4 साल तक Xiaomi इंडियन मार्केट पे टॉप नंबर वन पे था, तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स पे एक सबसे बड़ा ऊपर एक आर्ट लगाया था, इसमें 9600 से भी ज्यादा LED बल्ब्स थे और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया था लार्जेस्ट लाइट मोज़ेक के नाम से। Xiaomi ने बहुत सारे ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन किया है, बट क्या आपको पता है कि Xiaomi ने नोकिया के साथ भी कोलैबोरेशन किया था? तो बेसिकली नेटवर्क कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए Xiaomi ने नोकिया के साथ कोलैबोरेशन किया था, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहा Xiaomi को। Xiaomi की अपनी खुद की वेबसाइट है MI.com नाम से, और उसको खरीदने के लिए Xiaomi को $3.6 मिलियन देने पड़े थे। 2014 में Xiaomi का पहला URL था Xiaomi.com, तो उसको एक नए वेबसाइट पे शिफ्ट करने के लिए जो कि था MI.com। MI.com सुनने में बहुत सिंपल लगता होगा, बट दो लेटर की वेबसाइट खरीदना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसे I खरीदना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसकी वीडियो आपको यहाँ देखने मिल जाएगी एप्पल वाले फैक्ट्स में। Xiaomi अपने डिवाइसेस पे बहुत ही ज्यादा फोकस करता है और उससे ज्यादा फोकस करता है उनके कैमरास पे। तो Xiaomi के पास पूरा ही कैमरा के लिए एक रिसर्च एंड डिपार्टमेंट रखा है जो कि ऑलमोस्ट 6 से 7 कंट्रीज में। Xiaomi एक टेक ब्रांड है, बट क्या आपको पता है Xiaomi टेक के अलावा बहुत सारे लोगों को हायर करता है, जैसे कि जो गार्डनिंग करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के यूजर्स को, जो जेनेटिक में स्पेशलाइज है, ये सब लोगों को हायर करता है। बट इससे भी एक और तगड़ी चीज बताऊं, Xiaomi डिसेबल्ड लोगों को हायर करता है जो कि अपने AI को डेवलप करने के लिए, जिसका नाम है Xiao, मतलब XIAO, इन सबको ह्यूमन बिहेवियर और लैंग्वेज और सभी चीज सिखाने के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एक ब्रांड के लिए। Xiaomi का हेडक्वार्टर्स बहुत ही बड़ा है और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको पता नहीं होगी। तो सबसे पहले Xiaomi के हेडक्वार्टर्स का नाम टेक्नोलॉजी पार्क है, वहां पे 90 के करीब रूम्स है जिसमें टेस्टिंग लैब, डिवाइस डिस्प्ले, वेदर रूम जैसे कई सारे रूम्स है। ये टेक पार्क का साइज है 3,40,000 स्क्वायर मीटर और इसको बनाने का कॉस्ट आया था $755 मिलियन। बड़े लोग बड़ी बात है भाई। Xiaomi के अंदर जो एम्प्लॉयज है, जैसे CEO, co-founder, ये सभी लोग बहुत ही अच्छे टेक बैकग्राउंड से आते हैं। तो जब Xiaomi स्टार्ट हुआ था, कोई ऐसे नॉर्मली स्टार्ट नहीं होता, कई सारे टेक के एक्सपीरियंस लोगों ने इनको स्टार्ट किया था। जैसे एग्जाम्पल, इनका फर्स्ट CEO ली जुन किंग सॉफ्ट के CEO थे और उन्होंने एक ऑनलाइन बुक स्टोर भी बनाई थी जिसका नाम था Joyo.com, और Joyo.com Amazon ने खरीद लिया था 2004 में, और वो UC Web के भी चेयरमैन रह चुके थे। UC तो पता होगा आपको।
यूसी ब्राउजर। Xiaomi ने इसके साथ काफी सारी चीजें की, जैसे Xiaomi ने अपना 8 चार्जर टेक्नोलॉजी भी निकाला था और Xiaomi ने वर्ल्ड का फर्स्ट 108 मेगापिक्सल कैमरा भी बनाया था। तो Xiaomi स्मार्टफोन के साथ साथ भी कई सारे नए इनोवेशन ट्राई करता रहता है। मुझे पर्सनली Xiaomi का Mi Mix Alpha बहुत ही ज्यादा पसंद है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसको ट्राई करने के लिए। होपफुली कभी चांस मिलेगा इसको ट्राई करने का। तो अगर सब चीज रैप करे तो सिंपल भाषा में बताऊं तो Xiaomi स्टार्ट हुई थी बेंजिंग चाइना में 2010 में, वो भी सिर्फ 8 लोगों के साथ, और एग्जैक्टली 12 साल बाद जो कि 2022 में Xiaomi अपने प्रोडक्ट्स ऑलमोस्ट 90 कंट्रीज में सोल्ड कर रहा था। और उसके साथ साथ Xiaomi इंडिया का नंबर 1 सेलर बन चुका था। स्मार्टफोन के बाद Xiaomi ने इंडिया में स्मार्ट टीवी लॉन्च की 2018 में, जो कि बहुत ही अच्छी चली थी। Xiaomi Mi TV 4 रिसेंटली मैंने भी बहुत ज्यादा ट्राई किया। Xiaomi से हम एक चीज सीख सकते हैं कि स्मार्टफोन तक ही टिक के नहीं रहना है भाई, आगे भी बढ़ना है। Xiaomi ने उसके साथ साथ एसी भी बनाई, लैपटॉप भी बनाए, साइकिल भी बनाई, मैट्रेस स्टफ भी बनाया भाई, उन्होंने पॉड भी बनाया था। नाइस। और भाई क्या क्या नहीं बनाया। बट Xiaomi एक बहुत ही बड़ा ब्रांड बन चुका है और इंडिया में भी बहुत ही अच्छा ब्रांड है। क्या आप Xiaomi का फोन यूज करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओए सब्सक्राइब कर लो, बताओ इसको सही था।